नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है हमने लास्ट क्लास में क्लास टेंथ की समांतर श्रेणी के मिसलेरियस के कुछ क्वेश्चन किए थे कुछ क्वेश्चन बाकी हैं उन कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टीन है चार संख्याएं समांतर श्रेणी में यदि उनका योग 20 है तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है ठीक है जी अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 है ठीक है हम मान लेते हैं माना चार संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है जो एपी में है निम्न दी फोर नंबर्स विच आर इन एपी आर गिवन बिलो सबसे पहले फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर देखिएगा। एपी में हमें मानना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि चार अलग अलग नंबर लेंगे तो यहां से ए माइनस का थ्री डी ए माइनस का डी ए प्लस का डी और ए प्लस का थ्री डी ये चीज मैंने आपको पहले भी इंडेक्स बना करके सारणी बना करके समझाई थी कि अगर चार संख्याएं एपी में होती है और उनको इस रूप में हमें लेना चाहिए इस फॉर्मेट में हमें लेना चाहिए अब हमें बोला जाता है कि इनका योग है ना सम जो दे रखा है या फिर योग जो दे रखा है वो दे रखा है 20 के बराबर मतलब a- माइनस का 3d a- माइनस का d a+ प्लस का d और a+ प्लस का 3d है ना ये हमें दे रखा है किसके बराबर 20 के बराबर 20 के बराबर अब देखो माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसल आउट प्लस का डी और माइनस का डी कैंसिल आउट यही फायदा होता है इस प्रकार से या इस क्रम से संख्याओं को लेने का ए कितनी बार है चार बार है तो चार ए का मान बीस के बराबर आ जाएगा तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास पांच के बराबर ठीक है ए हमारे पास पांच आ गया अब साथ ही साथ बोला गया है कि इनके वर्गों का योग है ना इनके स्क्वेयर्स का जो सम है वो हमें दे रखा है मतलब ए माइनस का थ्री डी का स्क्वायर प्लस ए माइनस का डी का स्क्वायर और ए प्लस डी का स्क्वायर और ए प्लस थ्री डी का स्क्वायर है ना ये हमें दे रखा है किसके इक्वल देख लेते हैं ये हमें दे रखा है 120 के इक्वल 120 के बराबर ठीक है तो हम यहाँ से 120 ले लेते हैं अब ए हमने निकाल दिया पाँच है ठीक है तो ए का वैल्यू फाइव है तो फाइव पुट कर देते हैं तो ये आएगा फाइव माइनस का थ्री डी का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस के डी का होल स्क्वायर प्लस फाइव प्लस के डी का होल स्क्वायर और फाइव प्लस के थ्री डी का होल स्क्वायर है ना ये किसके बराबर है एक सौ बीस या फिर वन ट्वेंटी के बराबर अब हम क्या करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी का जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां पे हम फार्मूला लगा देंगे तो देखिएगा सबसे पहले फाइव माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर तो ये आएगा अपने पास फाइव स्क्वायर ठीक है माइनस का टू टाइम्स फाइव इंटू कितना आ जाएगा थ्री डी आ जाएगा प्लस प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर है ना ये आपका ओनली यहाँ तक का विस्तार है इस तक को हमने क्या किया है एक्सपेंड किया ठीक है उसके बाद में इसका विस्तार देखते हैं तो ये अपने पास आएगा फाइव का स्क्वायर माइनस का टू टाइम्स फाइव इंटू डी और प्लस का क्या आएगा हमारे पास डी का स्क्वायर ठीक है ये हमने इसका विस्तार किया फिर प्लस में प्लस में क्या फाइव प्लस डी का स्क्वायर मतलब ये फाइव स्क्वायर आएगा और प्लस का टू टाइम्स फाइव इन टू डी देखिए माइनस का साइन है तो माइनस यूज में लेना है और प्लस का साइन है तो बीच में प्लस यूज में लेना है प्लस का डी स्क्वायर इधर आएगा हमारे पास फाइव का स्क्वायर प्लस का फाइव टू टाइम्स है ना फाइव इंटू टू इंटू और ये आपके पास आएगा थ्री डी आ जाएगा और प्लस कितना आएगा थ्री डी का होल स्क्वायर ये हमें किसके बराबर दे रखा है एक सौ बीस के बराबर दे रखा है अब देखो सेम वैल्यूज कुछ है एक प्लस में एक माइनस में उसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा ये आपके पास माइनस वाला वैल्यू ठीक है ये माइनस वाला वैल्यू टू टाइम्स फाइव इंटू थ्री डी ठीक है और ये आपके पास क्या है प्लस वाला वैल्यू ये दोनों कैंसिल आउट होगा और ये वाला आपके पास माइनस में है और ये वाला प्लस में है ये कैंसिल आउट गया तो स्क्वायर 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 है ठीक है और थ्री डी है ठीके? तो ये अपने पास क्या जाएगा नाइन डी स्क्वेयर नाइन डी स्क्वायर है ना तो ये अपने को मिलेगा नाइन डी स्क्वेयर प्लस का कितना नाइन डी स्क्वायर ठीक है अब आपके पास ये डी स्क्वायर और ये भी डी स्क्वायर लेना है ना तो डी स्क्र और डी स्क्र कितना आ जाएगा टू डी स्क्वायर ये बराबर किसके एक सौ बीस वन ट्वेंटी के ठीक है अब फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव इंटू फोर आपका नाइन डी स्क्वायर नाइन डी स्क्वायर एटीन डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी डी स्क्वायर बराबर किसके एक सौ बीस के यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब हम क्या करेंगे फोर इंटू ट्वेंटी फाइव कितना हंड्रेड आएगा प्लस आएगा. का कितना यहाँ पर ट्वेंटी डी स्क्स केन ट्वेंटी एक सौ बीस के बराबर तो ट्वेंटी डी जो वो एक सौ बीस में से सौ जाएगा तो कितना बचेगा बीस बचेगा तो डी स्क्वायर का जो मान आएगा वो बीस बट्टे बीस ट्वेंटी डिवाइड बाई ट्वेंटी कितना आएगा वन आएगा तो डी स्क्वायर अगर वन आया है तो डी का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस का वन आएगा है ना क्योंकि हम जैसे ही वन का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस वन भी आएगा और माइनस वन भी अपने को देखने को मिलेगा अब देखिएगा ए का वैल्यू आ गया है डी का वैल्यू भी आ गया है अब हम क्या करेंगे इसकी हेल्प से ये सारे के सारे नंबर्स निकालेंगे ना तो देखिएगा यहां से फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपके पास ए का वैल्यू हमने लिया है फाइव है ना ए का वैल्यू हम फाइव ले रहे हैं और डी का वैल्यू पहले प्लस वन ले रहे तो आपके पास माइनस का थ्री इन प्लस का वन फाइव माइनस का थ्री आपको कितना मिलेगा टू मिलेगा दूसरा फाइव माइनस का थ्री है ना अब देखिएगा ये आपके पास थ्री नहीं है अगले जो टर्म में ओनली डी है तो फाइव माइनस का ओनली कितना आएगा वन आएगा तो फाइव माइनस का वन आपको कितना मिलेगा यहां से फोर मिलेगा अगला नंबर है ना नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ए प्लस का डी तो फाइव यहां से प्लस का डी है तो प्लस का कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो आपको सिक्स मिलेगा और नेक्स्ट नंबर ए का मतलब फाइव प्लस का थ्री इन टू डी डी का है तो फाइव प्लस तो नहीं।, नहीं होगा क्योंकि हमने डी का वैल्यू वन लिया है तो डी का वैल्यू वन भी आया है और डी का वैल्यू माइनस वन भी आया है तो सेकेंड केस में जब मैं डीवल टू माइनस वन लूंगा तो कुछ अनोदर नंबर्स आएंगे कुछ अन्य संख्याएं आएंगी उनको भी हमें इस चार संख्याओं के उत्तर के रूप में लेना पड़ेगा अब हम क्या करते हैं ए माइनस का थ्री डी तो ए का वैल्यू तो फाइव है माइनस का थ्री इन टू डी का वैल्यू कितना फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइव प्लस थ्री कितना आएगा एट आएगा देखो इसमें एट सबसे एंड में आया है और इसमें एट सबसे स्टार्टिंग में आया ठीक है थीके? कोई दिक्कत नहीं है अब क्या करेंगे अगला नंबर ये आएगा आपके पास फाइव माइनस आपको दे रखा है और डी का वैल्यू कितना है माइनस वन तो आपको मिल जाएगा फाइव प्लस का वन मतलब कितना सिक्स मिल जाएगा देखो इसमें ये भी आया है। नेक्स्ट में 5 प्लस का तो प्लस आपके पास यहां पर माइनस आ जाएगा तो फाइव माइनस का वन फोर मिलेगा फिर फाइव प्लस माइनस का वन इन टू कितना थ्री आ जाएगा दिखाई दे रहा है आपको फाइव ए प्लस का थ्री डी तो हमें कितना मिलेगा यहां से फाइव माइनस का थ्री टू तो संख्याएं या तो दो चार छ आठ होगी या फिर आठ छ चार और दो होगी तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है बात समझ में आ रही कि नहीं ठीक है अब इसको एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए क्या इनका योग जो है वो बीस आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि छः प्लस चार दस और आठ प्लस दो तो दस दस प्लस दस कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा बिल्कुल सही है हमारा जो क्वेश्चन की कंडीशन थी जो प्रश्न में हमें प्रतिबंध दे रखा था उसके हिसाब से इन संख्याओं का योग बीस आना चाहिए और हमारा आंसर बिल्कुल बीस आ रहा है ठीक है जी चलिए ये प्रश्न बहुत आसान था और हमने इसको हल कर लिया है और हमारे पास इस तरीके से चार संख्याएं प्राप्त हो गई अब अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न क्रमांक चौदह चौदह में बोला गया है। एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योग हमें दे रखा है सम ऑफ एनी ई पी इन दी टर्म ऑफ एन तो उसका ज्ञात, 25वां पद ज्ञात कीजिए ठीक है तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर्टीन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए गिवन एपी कितना दे रखा है हमें समांतर श्रेणी के एन पदों का योग एन पदों का योग मतलब एस एन जो है वो हमें दे रखा है एन के फॉर्मेट में कितना दे रखा है थ्री एन स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस फाइव एन डिवाइड बाई टू थ्री एन स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस का फाइव एन डिवाइड बाई टू अब हमें ज्ञात क्या करना है हमें ए पच्चीस ज्ञात करना है, है ना ए पच्चीस ज्ञात करना है तो हम इसमें क्या लेंगे लेट फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी है ना इसे हम क्या लिखेंगे प्रथम पद समांतर श्री का प्रथम पद प्रथम पद हम क्या मानते हैं सदैव ए मानते हैं फिर कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस मतलब सारवंतर है ना सारंतर कितना सारंतर हम लेते हैं डी के बराबर है ना सारंत्र हमारे पास डी अब देखिएगा ये एस एन है ना अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अगर मैं किसी समांतर श्रेणी की बात करूं तो देखिएगा मान लीजिए हमारे पास ये समांतर श्रेणी है ये अपने पास ए वन है ये ए टू है ये ए थ्री है और ये चल रहा है आपके कहां तक तक है ना इसको समझा रहा हूं मैं इसको समझिएगा क्या दे रखा है अगर मैं S1 की बात करूं, तो S1 का मतलब होता है प्रथम पद तक का योग समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म तो S1 जो होगा वो A1 ही होगा वो ही अगर मैं एस टू की बात करता हूं तो दो पदों का योग की बात कर रहे हैं मतलब एस टू जो होगा वो हमारे पास ए वन प्लस ए टू होगा यदि मैं एस थ्री की बात कर रहा हूँ मतलब हम तीन पदों तक के योग की बात कर रहे हैं मतलब एस थ्री होगा हमारे पास ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और एस एन का मतलब क्या होगा दिए गए सभी एन पदों का योगफल क्लियर इसका अर्थ यह है कि जब मैं एन के स्थान पर एक रखूंगा तो हमें प्रथम पद तक का योग आएगा ठीक है और उसे हम ए लिख सकते हैं कैसे क्योंकि एस एन का मान हमें दे रखा है थ्री एन स्क्वाइड बाई टू प्लस का फाइव एन डिवाइड बाई टू ठीक है तो एस वन जो होता है वो ए ही होता है, है ना प्रथम पद होता है मतलब यह आएगा थ्री इंटू वन का स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस का फाइव इंटू वन डिवाइड बाय टू ये अपने पास आएगा थ्री बाय टू प्लस का कितना आएगा फाइव बाई टू फाइव प्लस थ्री कितना एट एट डिवाइड बाय टू कितना आएगा फोर तो ए का वैल्यू आ गया हमारे पास फोर के बराबर जब मैं एस टू की बात करूंगा तो ये अपने पास आएगा ए वन प्लस ए टू का सम एस टू का मतलब आएगा थ्री इंटू टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू और डिवाइड बाई टू यहां पर भी डिवाइड बाई टू यहाँ पर भी है? अब थ्री का फोर फाइव टेन दस में दो का भाग दोगे तो पांच आएगा तो छह ग्यारह ए टू नहीं है फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ ये ग्यारह ए टू नहीं है ये एवन प्लस ए टू का योग है एवन प्लस ए टू हमें कितना मिल रहा है ग्यारह मिल रहा है ए वन हमारा ए होता है और ए टू कितना होता है ए प्लस का डी होता है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, है। मोस्ट और ए टू का वैल्यू ए प्लस डी होता है यदि डी है तो।, तो हमारे पास क्या आएगा ए प्लस ए टू ए प्लस का डी बराबर किसके ग्यारह के ए हमारा कितना निकला है चार निकला है दो इंटू चार प्लस का डी बराबर किसके ग्यारह के दो इंटू चार मतलब आठ प्लस डी बराबर किसके ग्यारह के तो डी का मान किसके बराबर आएगा पच्चीस तो चाहिए, चाहिए।, चाहिए, चाहिए तो ए पच्चीस का फॉर्मूला होता है ए प्लस का चौबीस डी क्योंकि हमने बहुत क्लास पहले ये चीज पढ़ ली है कि एन इक्वस टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है, An value, A N -1 D होता है. तो का तो देखिएगा मान हमारे पास A. A कितना निकला है चार इंटू चौबीस इंटू डी डी का मान कितना निकला है तीन निकला है तो चार प्लस का चौबीस की तीन से गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास सेवनटी टू आएगा 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76 आएगा तो गिवन एपी के ट्वेंटी 76 के इक्वल आ जाएगा यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है जी ये बात समझ में आई सभी को चलिए अब इसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं जो कि इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड है ना इंपॉर्टेंट चीज है कभी भी आपको ए एन का वैल्यू निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है एस एन माइनस का एस एन माइनस वन ध्यान दीजिएगा एस एन माइनस कर दो वन अब बोले सर इसका क्या मतलब होता है अगर मैं एस एन की बात करूं ना, या एस एन की बात करूं तो यह आएगा अपने पास ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री और कहां तक जाएगा अपने पास ए एन तक जाएगा और इससे पहले क्या होगा ए एन माइनस वन होगा यदि मैं एस एन माइनस वन की बात करूं तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री है ना और कहां तक ए एन माइनस वन तक अब सुनिएगा अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो देखिए हमें क्या मिलेगा एस एन माइनस का एस एन माइनस वन ये किसके बराबर ए वन से ए वन गया ए टू से ए टू गया ए थ्री से ए थ्री गया ए एन माइनस वन से एन माइनस वन गया बचा क्या ओनली ए एन तो ये अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा ए एन के इक्वल आ जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन में यदि एस एन गिवन है और आपको ए एन निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मुला पुट कर सकते हो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है जी आप ट्राई इस क्वेश्चन को इस फॉर्मुले सेल्प फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करने के लिए चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या एक से उनपचास तक अंकित किया है दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए ठीक है तो देखिए अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक हमें सीक्वेंस दे रखा है तो हम मान लेते हैं माना मकानों की संख्या मकानों की संख्या और ये मकानों की संख्या कैसे दे रखी है एक कौ दो कौमा तीन कौमा चार कौमा पांच कौमा कहाँ तक आपको फिफ्टी वन तक दे रखी है ठीक है अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बीच में एक ऐसा नंबर कोई एक्स है बीच में कोई एक ऐसा नंबर एक्स है जो कि एक ऐसा गुणधर्म रख रहा है एक ऐसी प्रॉपर्टी रख रहा है कि एक्स के बाद है ना यहाँ फिफ्टी वन होगा इससे पहले 49 होगा इससे पहले क्या होगा 48 होगा तो देखिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रश्नानुसार दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से S1 से लगा करके तक का जो योग है है ना एक्स तक का जो योग है वो एस एक्स प्लस वन से लगा करके फिफ्टी वन तक के योग के बराबर मतलब एक्स और x से पहले जितने आपके पास नंबर है इन सभी का योग x के बाद क्या होगा भाई x प्लस वन होगा और x प्लस वन से लगा करके 51 तक का जो योग है वो आपका क्या है बराबर समझ ठीक है अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस x का वैल्यू क्या होगा इस x का मान क्या होगा ये चीज हमें ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में ठीक है अब हमें अच्छा इसमें यह बोला गया है कि एक से एक्स तक एक से एक्स तक नहीं दर्शाइए कि एक्स का एक ऐसा माने कि एक्स से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर तो देखिएगा हमें बोला गया है एक से लगा करके एक्स तक नहीं हमें एक्स को यहां पे छोड़ना पड़ेगा प्रश्न में यह बोला गया है समझिएगा प्रश्न में क्या बोला गया है ये आपके पास एक्स है मतलब x से पहले वाले जितने मान हैं उनका योग करना है और x के बाद जितने मान हैं उनका योग करना है इनका योग क्या है आपस में बराबर तो मैं क्या कर देता हूं एक से x से पहले क्या आएगा x माइनस वन आएगा का मान बराबर होगा x प्लस वन से कहां तक इक्यावन तक के योग के बराबर x से पहले जितने आ रहे हैं और x के बाद जितने आ रहे हैं इनका योगफल जो है वो आपस में क्या है बराबर है बासंद भाई अब सुनिएगा अगर मैं एस एक से x माइनस वन की बात करूं तो इसमें पद कितने होंगे इसमें पद कितने होंगे x माइनस वन होंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है sn का वो क्या होता है भाई ये फॉर्मूला होता है n बाई टू टू ए प्लस का n माइनस वन इन टू डी होता है यहां पर a का वैल्यू वन है और d का वैल्यू भी क्या है वन है क्योंकि अंतर कितना है डिफरेंस कितना है एक एक का अब हम क्या करेंगे यहां से फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस वन इंटू टू दिख रहा है एन टू इंटू ए मतलब दो गुणा एक प्लस का एन के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे X -1 और -1 और का कितना है 1 है है भाई अब सुनिएगा अब अगर मैं बात करूं दूसरे वाले केस की तो दूसरा वाला आप समझिएगा क्या दूसरे वाले केस की बात करूं अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं तो दूसरे वाले केस में हमारे पास क्या आ रहा है कि इसका वैल्यू देखिएगा इसका वैल्यू हमें निकालना फिफ्टी वन तक का वैल्यू निकालना अब हमें यह पता नहीं कि एक्स का वैल्यू क्या है तो पता है हम क्या करेंगे यहां से लास्ट तक का योग ज्ञात करेंगे और माइनस का करेंगे यहां से यहां तक का योग बासंत मारिक नर ठीक है जैसे मुझे बोला जाता है कि दो चार छ आठ और दस है ना मुझे यहां से यहां तक तो का योग दे रखा है और यहां से यहां तक तो का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे दो से दस तक का योग ज्ञात करेंगे और उसमें दो से चार तक का योग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो उसके बाद छ आठ और दस का योग आ जाएगा तो एस एक्स प्लस वन से इक्यावन तक का योग ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूं एस इक्यावन में से माइनस करूंगा एस क्या एक से एक से एक्स माइनस वन का योग पास मारी क्लियर है ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए s इक्यावन माइनस का s एक से एक्स माइनस वन तक का योग एक से लगा करके इक्यावन तक का योग ज्ञात करो और एक से लगा करके एक्स माइनस वन तक का हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है ठीक है अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एक से लगा करके इक्यावन तक के योग में से ध्यान दीजिएगा एक से लगा करके इक्यावन तक के योग में से अगर मैं माइनस करूं एक से लगा करके एक्स माइनस वन नहीं एक से लगा करके एक्स माइनस वन नहीं एक से लगा करके कहां तक का योग माइनस करना पड़ेगा एक्स तक का योग माइनस करना पड़ेगा तभी हमारे पास क्या आएगा ये रिमेनिंग पार्ट आएगा एक से लगा के एक्स तक है ना इतना ज्ञात करना है तो पूरे में से इतना माइनस करना पड़ेगा ठीक है अब हम इसे सॉल्व करते हैं देखिएगा कैसा ये अपने को दे रखा है एक्स माइनस वन टू, ये दो टू इन टू ए का वैल्यू वन है प्लस इक्यावन माइनस का वन इंटू डी डी का वैल्यू कितना है ठीक है और माइनस का एक से लगा करके एक्स तक का योग मतलब एक्स संख्या होगी तो एक्स बट्टा दो टू इंटू ए ए का वैल्यू वन है ये आपके पास आएगा एक्स माइनस वन इंटू डी डी का वैल्यू भी हमारे पास वन है अब इसको सॉल्व करते हैं देखिए ये टू से टू कैंसिल आउट होगा तो हमें मिलेगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स डिवाइड बाई टूल टू ये अपने पास आएगा फिफ्टी वन इस टू को मैं अंदर डाल देता हूँ तो ये कितना आएगा आपके पास वन आएगा इक्यावन में से एक जाएगा पचास पचास में दो का भाग दोगे तो कितना आएगा पच्चीस आएगा ठीक है चलिए माइनस अब इसे हम सॉल्व करते हैं ये अपने पास x बाय टू है ये अपने को मिलेगा टू प्लस का x माइनस का कितना वन मिलेगा यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को है ना अब क्या करेंगे यहाँ से ये मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू अगर हम 51 वन इंटू क्या करेंगे 26 करेंगे माइनस का अब देखिए दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा ये x बाय टू तो पड़ा ही है और यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस का वन आ जाएगा क्लियर है अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए LCM लेना पड़ेगा तो ये अपने पास आएगा 51 वन इंटू ट्वेंटी और माइनस का एक्स आएगा? आएगा और इधर कितना टू 2. ये टू 2 से टू क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहां तक क्लियर है टू से टू कैंसिल आउट हो गया अब बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर है ना ये आपके पास दो एकम दो और पांच दूनी दस एक सौ दो इंटू छब्बीस माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स माइनस का एक्स और माइनस का एक्स कैंसिल तो कितना टू एक्स स्क्तर बराबर एक सौ दो इंटू कितना छब्बीस ठीक है अब एक्स स्क्वायर का मान भाग देंगे एक सौ दो में दो का भाग देंगे तो कितना आएगा पुनः इक्कावन आएगा इंटू कितना बन जाएगा छब्बीस बन जाएगा अब जैसे ही इक्यावन को 26 से गुणा करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा इधर कर लेते हैं छब्बीस इंटू इक्यावन तो ये आपने पास 26 सिक्स मिलेगा फाइव सिक्स थर्टी पावर थ्री आएगा फाइव टू जै टेन टेन प्लस थ्री कितना मिलेगा थर्टीन मिलेगा ठीक है तो अपने को कितना आएगा यहाँ से देखिएगा ये अपने को मिलेगा सिक्स वन या सिक्स टू और थ्री टू फाइव है ना तेरा पच्चीस मिल रहा है ना कितना मिल रहा है तेरा पच्चीस मिल रहा है देखते हैं यहां से क्या तेरह पच्चीस तेरह छब्बीस मिल रहा है, है ना <coughs> आना कितना चाहिए अच्छा क्वेश्चन में एक से फोर्टी नाइन दे रखा भाई वन टू फोर्टी नाइन दे रखा है मैंने वन से फिफ्टी वन लिया है है ना फोर्टी नाइन दे रखा है क्वेश्चन मैंने गड़बड़ लिया है तो इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा चेंज कुछ नहीं करना पड़ेगा बस फिफ्टी वन की जगह पे हम क्या ले लेंगे फोर्टी नाइन ले लेंगे भाई ये दिक्कत है यहाँ पर है ना ये आपको फोर्टी नाइन दे रखा है ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हुई है ठीक है ये आपको कितना दे रखा है ओनली फोर्टी नाइन दे रखा है ना इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ये फोर्टी नाइन है ना तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ये भी आपका हो जाएगा फोटी नाइन ये भी आपका क्या हो जाएगा फोर्टी नाइन है ना फोर्टी नाइन दे रखा है भैया ना मैंने गलती से फिफ्टी वन लिखा है क्वेश्चन ही गड़बड़ नोट डाउन किया है। ये फोर्टी नाइन होगा ठीक है बस एक ही जगह पे चेंज आएगा ये फोर्टी नाइन आ जाएगा आपके पास ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चेंज कर दिया हमने यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये अगेन 49 आएगा ये भी अगेन 49 ही आएगा ठीक है 49 और 49 ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ से अगेन 49 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे ठीक है ये 49 है हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और 49 है तो उसको 49 ही लिखें है ना कितना आएगा ये अपने पास आएगा फोर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी सिक्स इंटू टू ठीक है इसको चेंज कर देता हूँ मैं ना चले इधर कोई फर्क नहीं आएगा टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास फोर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी सिक्स इंटू कितना टू आएगा ठीक है और और एक्स स्क्वायर का वैल्यू फोर्टी नाइन इंटू कितना मिल जाएगा ट्वेंटी सिक्स मिल जाएगा ठीक है ट्वेंटी सिक्स मिलेगा कि ट्वेंटी फाइव मिलेगा देख के बताते हैं यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ पर भी चेंज होगा ये भी आपका फोर्टी नाइन ही आएगा ये आपका क्या 49 आएगा फोर्टी नाइन आएगा फोर्टी नाइन आएगा तो यहाँ से आपका फोर्टी नाइन माइनस का वन है ना तो आपको यहाँ पर फोर्टी नाइन माइनस का वन तो आपको कितना मिलेगा फोर्टी एट फोर्टीट मतलब ट्वेंटी फ़ोर मिलेगा ये ट्वेंटी सिक्स की जगह ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स की जगह ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स की जगह ट्वेंटी फोर ठीक है और और ट्वेंटी फोर प्लस कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ना यहाँ से एक क्वेश्चन में लिखने में गड़बड़ ने सब गड़बड़ कर दिया कोई दिक्कत नहीं है ये आपके पास ट्वेंटी फाइव इंटू टू ठीक है ये भी आपका कितना रहेगा ट्वेंटी 25 फाइव रहेगा ट्वेंटी 25, 25 ट्वेंटी और ये आ जाएगा आपके पास ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट सेवन आएगा और 5 का रूट 5 तो एक्स का रूट तो वैल्यू आ जाएगा थर्टी फाइव के इक्वल बास मारे कि नी ठीक है तो यहां से हमने क्या किया ओनली चेंज किया है जो हमने 51 लिखा था वो एक्चुअल में कितना है 49 है ठीक है जी तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है ठीक है नेक्स्ट में हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज खोलेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद